नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सावन के आखिरी सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नगर के मात्र 10 किलोमीटर दूर ग्राम गमाकर में स्वयंभू भोलेनाथ के दर्शन करने दिन भर हजारों श्रद्धालु पहुंचते रहे। ज्ञात रहे, ग्राम गमावन के एक पहाड़ी और उसमें स्वयंभू भोलेनाथ सैकड़ों वर्ष पूर्व प्रकट हुए, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि यहाँ पर ये पहाड़ी कैसे प्रकट हुई। दूर दूर तक ना कोई पहाड़ है ना पहाड़ी है, यहाँ स्वयंभू भोलेनाथ की पहाड़ी अपने आप एक अजूबा है। सावन के महीने में उत्सव रात्रि पर हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। मंदिर की यदि बात कही जाए तो मंदिर तो हमारे हिसाब से हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बताया है, बस हमने सुना है कितना प्राचीन है। प्राचीन तो हजारों साल, यदि हमारे हिसाब से आकलन किया जाए तो वो तो हजारों साल पुराना मंदिर है। और सावन के सोमवार पर व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तो कोई व्यवस्था नहीं होती, लेकिन जो भी व्यवस्थाएं होती हैं ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो ग्रामीण गाँव के जो निवासी हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं और वो लोग आकर के जल चढ़ाते हैं, वही अपनी व्यवस्थाएं मिलाते हैं। यहाँ पर आकर के जो दर्शक होते हैं उनके लिए चाहे वो प्रसादी वितरण कर दें और चाहे वो खीर प्रसादी वितरण कर दें। ये मंदिर का तो कहीं भी कोई इसका लेख नहीं है, अनादिकाल इस मंदिर का तो मतलब कोई पता नहीं है कितना लंबे समय से मंदिर है। सावन के महीने में जहाँ मतलब घराड़ू की व्यवस्था की जाती है यात्रियों के लाने, खिचड़ी है, चाय है, आलू खीर है और गांव वाले की तरफ से फुल आदमी की व्यवस्था की जाती है, कोई परेशानी नहीं होती है यात्रियों के लिए। ये गमाकर का ऐतिहासिक स्वयंभू शिवधाम मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पहाड़ी है, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो यही बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इसको ऐसा ही देखा और ये कब प्रकट हुई इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। तो कुल मिलाकर ये स्वयंभू भोलेनाथ हैं जो यहाँ गमाकर में प्रकट हुए हैं। स्वयंभू शिवधाम के नाम से इनको जाना जाता है। इस पहाड़ी में भगवान भोलेनाथ विराजमान है और ग्रामीणों द्वारा ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार और निर्माण किया गया है। शासन प्रशासन की उपेक्षा भी यहाँ देखने को मिली है। कुल मिलाकर यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पहाड़ी दिख रही है, पहाड़ी में लोग आ रहे हैं अपने फोटो भी खिंचवा रहे हैं और यहाँ पर ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता था, लेकिन शासन प्रशासन ने यहाँ पर कोई विशेष व्यवस्था नहीं की है। शिवरात्रि पर और सावन के सोमवार में यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। फास्ट समाचार के लिए गंजवासा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट।